स्टूडेंट, आपका आपके विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का भाषा व्याकरण तथा लिपि का टॉपिक करने जा रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखें और सुने। फर्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा आमतौर पर हम किसी से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, किसी की बातें इसको सुनते हैं, वो सब हमारा एक भाषा ही है। जैसा कि ये लिखा गया है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को जान सकता है, यानी कि अपनी बातें बोलकर दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है और दूसरे व्यक्ति की बातों को सुनकर समझ सकता है। ये हमारी भाषा कहलाती है। फिर हमारा सेकंड है भाषा के प्रयोग, कि भाषा को हम किस किस रूप में, किस किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। फर्स्ट है हमारा लिखकर, हम लिखकर भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलकर, अपने मन की बात किसी को बोलकर बता के हम भाषा का प्रयोग करते हैं। थर्ड है इसका सुनकर, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें किसी काम को बताता है, कोई बात कहता है, तो उसको हम सुनकर भाषा का प्रयोग करते हैं। फोर्थ है हमारा पढ़कर, यानी कि लिखा हुआ कोई भी कार्य है उसको पढ़कर हम भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा और सेकेंड है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मौखिक यानी कि मुख के द्वारा बोले जाने वाली मौखिक भाषा, हम अपने भावों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों को सुनकर समझते हैं, जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बातें करना आदि। दूसरों से बातें करना ये मौखिक भाषा का ही एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे कक्षा में अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना, ये भी एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। अगला जो आपका है भाषा का रूप, वो है लिखित भाषा, कि लिखित भाषा क्या होती है। जब हम अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरे के भावों को समझते हैं, जैसे पत्र लिखना, पढ़ना आदि। अपने विचारों को, अगर हमारे मन में कोई बात है तो उसको हम लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा कोई अन्य व्यक्ति है जो हमें पत्र के माध्यम से लिखकर अपने भावों को समझाता है, ये मौखिक भाषा। आगे आता है भाषा के अंदर राजभाषा क्या है। राजभाषा हमारी मातृभाषा है, जिसको 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। और अब हर वर्ष 14 सितंबर को हमारी राजभाषा जो हिंदी है उसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर प्रतिवर्ष पूरे भारत वर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है एक बोली, जो कि भाषा का ही टॉपिक है, बोली, कि बोली क्या है, बोली किसे कहते हैं। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इट मीन्स जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस टाइप का आपका एरिया, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो या कोई राज्य से हो, जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा का यूज़ किया जाता है, हरियाणा में हरियाणवी का, ये आप लोगों की बोली कहलाती है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा लिपि। लिपि क्या है, किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग उस भाषा की लिपि कहलाती है। भाषा की जो लिपि है वो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि हैं। फर्स्ट है भाषा हमारी हिंदी, संस्कृत और मराठी। हिंदी, संस्कृत और मराठी तीनों भाषाओं की हमारी लिपि है देवनागरी। दूसरा है हमारा अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि है हमारी रोमन। थर्ड है पंजाबी, पंजाबी की है गुरुमुखी। और लास्ट है हमारा उर्दू और अरबी, इनकी लिपि है हमारा फारसी। आगे बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है व्याकरण का टॉपिक है। व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने में के नियमों का ज्ञान कराता है, यानी कि भाषा के अशुद्ध रूप को शुद्ध बनाता है व्याकरण। इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। देखिए उदाहरण, हिरण दौड़ रही है। हिरण हमारा क्या है, पुल्लिंग है। हिरण दौड़ रही है,
ये यहाँ पर भाषा में अशुद्धि है लिखते हुए, इस अशुद्धि अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, हिरण दौड़ रहा है, ये भाषा का व्याकरण का शुद्ध रूप है। अगला जो है हमारा व्याकरण का क्वेश्चन बनता है, व्याकरण के कितने अंग है, व्याकरण के कितने अंग है। फर्स्ट है हमारा वर्ण विचार, सेकंड है हमारा शब्द विचार और थर्ड है हमारा वाक्य विचार। व्याकरण के हमारे तीन अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार।